अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम काशिफ आलम है और मैं एडिटिंग ट्रिक्स एंड टिप्स चैनल से एक बार फिर हाज़िर हो चुका हूं। क्योंकि मैं आज आपके लिए एक और ज़बरदस्त सा ट्यूटोरियल लेकर आया हूं जो कि आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, ये जो ये इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है, ये सो ज़बरदस्त सा हम अभी जो कि 3D ग्लासेस इफेक्ट बनाएंगे जो हमारे साथ मैंने डेस्कटॉप पर रखा हुआ है। ग्लासेस वाटर इफेक्ट जो हम किस तरह ग्लासेस वाटर में तब्दील करेंगे पिक्स को, तो तब्दील पर भी आप लोगों ने देखा होगा कि वो हम किस तरह रेडी करते हैं। तो वो सो इजी वैसा मेथड है, तो वन स्टेप के अंदर वो हो जाते हैं, जो कि मैं आपको थोड़े से वक्त में ज़्यादा कुछ सिखाने को आपको मिलता है इस चैनल में। तो दोस्तों चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। ये हमारे साथ एक पिक्चर है, आप कौन सी भी अपने पिक्चर को रेडी कर सकते हैं। तो मैंने ये पिक्चर ले आया हुआ है। मैं यहाँ पर अभी आता हूँ ब्रश की मदद से, ब्रश में जो यहाँ पर हमारे साथ टूल ब्रश मौजूद होते हैं, जब टूल ब्रश हमारे साथ मौजूद होते हैं तो हम यहाँ पर इन पर क्लिक कर लेते हैं। जब इन पर हम क्लिक कर लेते हैं टूल ब्रश में, तो देखें यहाँ पर हमको क्लिक्स का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा। तो ये इसमें ये इशू आता है कि हमने अपनी लेयर को सेलेक्ट नहीं किया हुआ होता है। जब हम अपनी लेयर को सेलेक्ट कर लेते हैं तो वो सबसे इजी वैसा मेथड में हो जाता है। तो इसी की वजह से हम इनको इस स्टेप में तब्दील कर लेते हैं अपनी सो इजी वैसा स्टेप्स और मेथड में। तो देख लीजिए दोस्तों, हम यहाँ पर इन पर अभी क्लिक कर लेते हैं, तो ये देखिए सो इजी वैसा मेथड पर आ जाते हैं। ये हमारे साथ ग्लास वाटर के स्टूडियो के इफ़ेक्ट्स हैं, तो ये हम इनमें किस तरह तब्दील कर सकते हैं। तो ये भी सो इजी वैसा मेथड सा इनका स्टेप्स है, वो भी मैं अभी आपको साथ क्लियर्स कर लेता हूँ कि किसी तरह आप लोगों ने इन पे लगाना है और इन पे क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर जब इन पे क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ पर मुझे एक इंटरफेस नज़र आएगा। तो ये देखे आप यहाँ पर इनको एक्सपोर्ट किस तरह करेगा, मसलन इन पे यहाँ पर इंपोर्ट किस तरह करेंगे, जो हमारे साथ यहाँ पर एक ऑप्शंस दिखाई देगा जो कि सेटिंग का ऑप्शंस है, तो यहाँ पर हम क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर हम क्लिक करने के बाद इम्पोर्ट ब्रश हमारे साथ आता है। जब हम इम्पोर्ट ब्रश पर क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारे साथ बहुत इजी वैसा स्टेप्स ओपन हो जाता है, जहाँ पर आपने ग्लासेस ब्रश को सेट किया हुआ है वो सो इजी वैसे स्टेप में यहाँ पर आ चुका है। तो आप भी यहाँ पे ला सकते हैं, सो इजी वैसा मेथड है मेरे पास यहाँ पे है। मैंने इन पे क्लिक किया हुआ है और यहाँ पर मैं लोड कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी क्लिक कर चुका हूँ, तो यहाँ पर मैं जब क्लिक कर चुका हूँ तो मैं सो इजी वैसे यहाँ पर आ सकता है। जब यहाँ पर ये आ जाता है तो हमारे साथ एक यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं। जब हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं तो देखें हमारे साथ सो इजी वैसा मेथड स्टेप में ये कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पर नीचे की तरफ से भी हम यहाँ पर जो ही यहाँ पर प्रेस करते हैं तो वो भी हमारे साथ इंटरफेस नज़र आ सकता है। और यहाँ पर हमारे साथ ये इंटरफेस, तो ये देखिए हमारे साथ वाटर्स का एरिया है और हम वाटर के एरिया को यहाँ पर कवर कर लेते हैं। तो हम इनको बड़ा कर लेते हैं, साइज़ में बहुत बिग कर लेते हैं। जब हम इनको साइज़ में बड़ा कर लेते हैं तो ये हमारे साथ सो इजी वैसे स्टेप्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखे हमारे साथ कन्वर्ट हो गए हैं, लेकिन इन पर ये वाटर बहुत ज़्यादा शार्प्स नज़र आता है, बहुत ज़्यादा कलरफुल तेज़ नज़र आता है। तो हम यहाँ पर कंट्रोल जेड की मदद को इनको बैक की तरफ लेकर जाता है। जब बैक की तरफ लेकर जाते हैं तो हम यहाँ पर एक खाली लेयर ले लेते हैं, जो कि हम लेयर ले लेते हैं, इनको और भी साइज़ में बड़ा कर लेते हैं। तो ये देखे हमने साइज़ को इनको बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया है। यहाँ पर हम फिर क्लिक कर लेते हैं, तो ये देखे क्लिक करने के बाद कितना अच्छा इंटरफेस। हम अभी इनकी ऑफेसिटीज़ को कम कर लेते हैं, तो ये देखें हम यहाँ पर इनकी ऑफेसिटीज़ को कम कर लेते हैं। तो ये देखें हमने इनके ऑफेसिटीज़ को कम कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे इसी तरीके से ब्रश यहाँ पर अवेलेबल्स हैं। तो ये देखें, अगर आपको किसी भी तरह का ब्रश पसंद आ सकता है तो यहाँ पर आप इन पर इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पर आपने ध्यान देना है, यहाँ पर इनको आपने वाइट रखना है। अगर आप ब्लैक रखेंगे तो वाटर ब्लैक हो जाएगा, अगर आपने रेड रखना है तो वाटर रेड हो जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पर रेड कर लेता हूँ, वाटर रेड ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा इनमें।
तो ये देखिए वाटर रेड में कन्वर्ट हो चुका है। अगर जो ही किसी कलर में आप वाटर को कन्वर्ट करना चाहते हैं कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वाटर वाइट होता है तो हम यहाँ पर हम वाइट ही इस्तेमाल करते हैं, वाइट पे हमारे साथ और ज़्यादा बेनिफिट आएगा। तो ये देखिए हमारे साथ इनमें बहुत ज़्यादा ब्रशेस मौजूद हैं जो कि वाटर की ब्रशेस हैं, जो आप किसी भी तरीके से इनको कन्वर्ट आप कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, तो ये देखिए कितना ज़्यादा ज़बरदस्त सा हमारे साथ एक लुक बन जाता है यहाँ पर वाटर ग्लासेस में। तो ये देखिए हम यहाँ पर इसी तरीके से इनको कवर कर सकते हैं, तो इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं। इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इजी वे से गूगल ड्राइव फाइल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहां पर मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स टिप लेकर आऊंगा जो कि आपको पसंद आएगा, और आप इस्तेमाल करते रहिए एडोब फोटोशॉप में, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट लगेगा। तो यहाँ तक के लिए मुझे दे दीजिएगा इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।